चलो दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों का एक टेक्निकल चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको ओप्पो टॉप 5 स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो ओप्पो और वीवो की तरफ से आती है। अगर आप दिवाली के सेल में ओप्पो वीवो के स्मार्टफोन लेना चाहते हो जो 10,000 के अंदर हो, इस वीडियो को लास्ट देखिए। मैं आपको टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो आप 10,000 के अंदर खरीद सकते हैं। सबसे पहले जो स्मार्टफोन आता है वो 8,000 के अंदर आने वाला स्मार्टफोन है, जहाँ पर आपको 2 GB की रैम मिलते हैं, 32 GB स्टोरेज मिलती है। इसकी प्राइस 7,990 इसकी प्राइस है। ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों साइट पर आपको मिल जाएगा, बस आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। ओप्पो A1 के ये स्मार्टफोन है। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.1 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। इस प्राइस के अंदर बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है ओप्पो के स्मार्टफोन में। कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं, बैक साइड में सिंगल रियर कैमरा देखने को मिलता है, जहाँ पर 8 MP का रियर कैमरा देखने को मिलता है। 5 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है, जो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो आप 4000 mAh की बड़ी बैटरी देखती है। 10 वाट का चार्जिंग का स्लॉट देखने मिलता है और मीडियाटेक का MT6762R का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने मिलता है। और जो भी आप यहाँ पर मल्टीटास्क करेंगे, जो भी स्मूथली कर पाएंगे इस प्राइस के अंदर, और कोई भी गेम खेलते हो जैसे फ्री फायर जैसे गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम, तो आप मीडियम सेटिंग पर खेल पाएंगे, लेकिन आप हाई सेटिंग इस पर खेल नहीं पाएंगे। देखिए अगले स्मार्टफोन की बात करते हो, 10,000 के अंदर आने वाला स्मार्टफोन है, जहाँ पर आपको 3 GB की रैम मिलती है, 32 GB स्टोरेज मिलती है। 9,990 इसकी प्राइस आती है। ये ओप्पो का A12 स्मार्टफोन है। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.22 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने मिलती है, यानी आपको बड़ी डिस्प्ले देखने मिलती है जो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको डोर रियर कैमरा भी देखने को मिलता है, जहाँ पर 30+2 MP का बैक साइड में डोर रियर सेंसर देखने को मिलता है। कैमरा क्वालिटी और 5 MP का सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, जो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं, 4230 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जो 10 वाट के चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और मीडियाटेक का हीलियो P35 का प्रोसेसर देखने को मिलता है इस प्राइस के अंदर। बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, को भी आप मल्टीटास्किंग या गेम प्ले करना चाहिए तो आप इसी मीडियम सेटिंग पर प्ले कर पाएंगे, यानी आपको कोई भी लैग इशू देखने को मिलेगा डे टू डे यूज़ के लिए। अगले स्मार्टफोन की बात करें तो ये भी ओप्पो की तरफ से आता है। मैं आपको 10,000 के अंदर आने 2 स्मार्टफोन बताने वाला ओप्पो की तरफ से, जहाँ पर ओप्पो A5S स्मार्टफोन है, जहाँ पर 3 GB की रैम मिलती है, 32 GB स्टोरेज मिलती है। इसकी प्राइस 9,989 इसकी प्राइस आती है। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.2 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है। बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है इस स्मार्टफोन में आपको। कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं, बैक साइड में डोर रियर सेंसर देखने को मिलता है, जहाँ पर 30+2 MP का डोर रियर सेंसर है। 8 MP का सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं, आपको दोनों स्मार्टफोन में सेम बैटरी देखने को मिलती है, जहाँ पर 4230 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। और मीडियाटेक का हीलियो P35 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, यानी आपको दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है, यानी दोनों स्मार्टफोन सेम ही फिंगरप्रिंट के साथ आते हैं। अगर आपको ओप्पो का स्मार्टफोन लेना था 10,000 के अंदर, तो मैंने आपको दो स्मार्टफोन बताया, उस स्मार्टफोन से आप कोई भी स्मार्टफोन ले सकते हैं। चलिए वीवो की तरफ बढ़ते हैं, तो वीवो की तरफ से स्मार्टफोन आता है Vivo Y91i। ये स्मार्टफोन आता है जो 8,000 के अंदर आता है, जहाँ पर 2 GB रैम मिलता है, 32 GB स्टोरेज में, जिसकी प्राइस 7,990 इसकी प्राइस आती है। 8,000 के अंदर आ रहा है इस स्मार्टफोन है। डिस्प्ले की बात करें, 6.22 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है इस स्मार्टफोन में आपको। कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं, यहाँ पर बैक साइड में सिंगल रियर कैमरा देखने को मिलता है, जो 30 MP का रियर कैमरा आता है, और 5 MP का सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, जो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ है। और बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 4030 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, और मीडियाटेक का हीलियो P22 का प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। अभी जो भी इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर है, स्मार्टफोन को आप कोई भी गेम प्ले करना चाहे तो आप उसे लो सेटिंग पे प्ले कर पाओगे, आपको कोई भी लैग इशू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप मीडियम सेटिंग में और हाई सेटिंग में खेलने प्ले करना चाहो तो आपको उसमें बहुत ही लैग देखने को मिल सकता है। ये डे टू डे यूज़ के लिए आपको बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। अगले स्मार्टफोन की बात करते हैं, वीवो की तरफ से आता है Vivo Y11। 10,000 के अंदर वाला स्मार्टफोन है, जगह 3 GB रैम मिलती है, 32 GB स्टोरेज मिलती है। इसकी प्राइस 9,990 इसकी प्राइस आती है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.35 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। इस प्राइस के अंदर इस स्मार्टफोन में आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो वीवो की तरफ से स्मार्टफोन आते हैं उसमें। कैमरा क्वालिटी की बात करो, बैक साइड में डुअल रियर सेंसर देखने को मिलता है, जहाँ पर 30+2 MP का डुअल रियर सेंसर है, और 8 MP का सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं, आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 439 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो 11 नैनोमीटर की बेस्ट टेक्नोलॉजी पर आता है। अगर आप
स्मार्टफोन का आप डेली डे टू डे यूज करने के लिए यूज कर सकते हो और आप गेमिंग भी इसमें मीडियम सेटिंग पर खेल पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने जो भी सारे भी वो स्मार्टफोन बताए जो आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर मिल जाएगा, अभी सेल आ रही है, जिस सेल में से आप इनको परचेज कर सकते हो। अगर आपको किसी और टाइप का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, इस टाइप की पुनः वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच, मैं मिलते हैं अगले वीडियो में।